सो यहाँ पर हम अपने लैब सेटअप को आगे बढ़ाते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं और चीज़ें जो कि हमारे लैब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर दो ताकि आपका प्रॉपर लैब सेटअप हो सके। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना हमारे न्यू वर्जन हैकर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। सो वॉरियर्स, हमने यहाँ पर इथिकल हैकिंग के साथ साथ डिजिटल फॉरेंसिक का भी कोर्स स्टार्ट किया है एंड बहुत ही जल्द हम आपके लिए 1x1 क्लास लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कि आप फेस टू फेस लाइव क्लासेस ले सकते हो मुझसे। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लैब इंस्टॉलेशन को। सो वॉरियर्स, चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। सो स्क्रीन पे जाके हम सबसे पहले वही चीज़ें करेंगे। पहले हमको VMware ओपन करना है। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें तो अब समझ में आ गई होगी कि लैब में इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं हमको। तो यहाँ पर हमने VMware ओपन कर लिया है, ठीक है। एंड VMware ओपन करके अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 11 को अपने VMware में, ठीक है। यहाँ पर VMware में आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट वर्चुअल मशीन, रिकमेंडेड पे सिलेक्ट करना है जैसे कि हम हमेशा करते हैं। एंड यहाँ पर आपको आपका जो डाउनलोड जहाँ पे आपने मशीन को कर रखा है, ठीक है, ISO फाइल जहाँ पे आपने किया है डाउनलोड, मुझे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे विंडोज़ 11 के ISO फाइल चूज़ करूँगा, ओपन कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट, एंड यहाँ पर चूज़ करूँगा वो लोकेशन जहाँ पे मुझे उसको इंस्टॉल करना है, तो मुझे इसको करना है H ड्राइव में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम कर लूँगा कि यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, है ना, विंडोज़ 11 के नाम पे। तो विन 11 नाम पे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिससे मेरी सारी फाइल सेपरेट रह सकेगी जो मैंने यहाँ पे अलग से इंस्टॉल किया है, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे सारी फाइल्स नहीं आएगी, तो आप हर एक मशीन के साथ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इंक्रिप्शन पासवर्ड मांग रहा है, तो आप यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड देना है, ठीक है। 8 कैरेक्टर से कम मत देना, नहीं तो एरर दे देगा, टाइम वेस्ट करता है आपका, ठीक है। भी मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पे टिक कर देना, ठीक है। फर्स्ट वाले में टिक करोगे एंड नेक्स्ट करोगे यहाँ पे। सो यहाँ पर देखो, देख लेना कि सारी चीज़ें सेम है, यानी 4 GB रैम, ठीक है, 64 GB हार्ड डिस्क, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन ऑप्शन आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। मतलब क्रिएट करने के बाद ये पावर ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली, तो इसको अनचेक कर देना, ठीक है, एंड फिनिश कर देना। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको पूरी मशीन को क्रिएट करेगा, ठीक है, क्रिएट करेगा। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये मशीन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्रिएट होने के बाद हम मिलते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हमारी मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे, एंड यहाँ पे लॉग भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड यहाँ पे बोल रहा है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखो तो इसने प्रोसेसर 2 ही ले रखा है, तो आपने यहाँ पर अगर आपके पास प्रेजेंट है तो 4 दे दो, क्योंकि 2 प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा लैग करेगा, तो यहाँ पर 4 प्रोसेसर कर दो आप। बेसिकली आपके लिए अच्छा होगा, आपका स्मूथ वर्किंग करेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना भी लो नहीं होना चाहिए, वर्चुअल मशीन है तो क्या हुआ, थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रोसेसर देने के बाद इसको पावर ऑन करेंगे। सो यहाँ पर पावर ऑन पे जो ग्रीन बटन दिख रही थी उस पर क्लिक करना है आपको। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ पॉसिबल हो तो, ठीक है, आपको जूम में दिख रहा होगा EFI नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें दिखा रही हो तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले तो एक बार इसको रिस्टार्ट कर देना है मशीन को आपके, ठीक है। रिस्टार्ट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ऊपर में विंडोज़ 11 में क्लिक करना है मशीन के नाम पे, पावर पे। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक हो गया, नहीं होता थोड़ा वेट करना है आपको, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये सेटअप हो गया है, ठीक है, विदाउट एनी इशू। एंड वो टाइम आउट दिखा है तो आपको थोड़ा वेट करना है वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है ये इंस्टॉलेशन करने में, खुद को सेटअप करने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, टाइम फॉर्मेट चूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ से US एवरीथिंग, ठीक है। तो कीबोर्ड इनपुट यहाँ पे से आप चेक कर सकते हो, जो चाहिए आप वो डाल सकते हो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ
एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा सेटअप है विंडोज़ 11 का, तो ये टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आपको प्रोडक्ट की के लिए बोलता है तो आप इसको आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की बोल सकते हो अभी के लिए, ठीक है। बाद में आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। विंडोज़ 11 होम पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसका प्रोडक्ट की नीड है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरत है इसके प्रोडक्ट की, तो आप वो तरीका फॉलो कर सकते हो जिस तरीके से हमने VMware का प्रोडक्ट की लेके आया था यहाँ पे एंड एंटर कर दिया था, वो वर्क कर गया, तो आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ड्राइव सिलेक्टेड है उसी पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे विंडोज़ की सारी फाइल आपके उस जगह पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। सो यहाँ पर कॉपी विंडो फाइल कर दिया, गेटिंग फाइल रेडी इंस्टॉलेशन कर रहा है एंड उसके बाद सारे फीचर ये सारे ठीक होने के बाद ये सारा विंडो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो वॉरियर्स, यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉलेशन के ज़्यादा करीब आ गए हम लोग। सो यहाँ पर देख सकते हो ये आपसे कंट्री पूछ रहा है कि किस कंट्री से हो आप लोग। तो यहाँ पर बेसिकली आप कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हो, है ना। मैं इंडिया चूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप US जो भी आपको लगे वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बट कर देंगे हम कंट्री चूज़ करने के बाद, एंड ये थोड़ा सा प्रोसेस और करेगा एंड देन हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है कि कौन सा कीबोर्ड आप यूज़ करोगे, तो मैं इंग्लिश इंडिया चूज़ करूँगा क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। एंड ये बोल रहा है अगर आपको कोई सेकंड लेआउट चूज़ करना है तो ऐड कर सकते हो कीबोर्ड का, तो मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेआउट यूज़ करता हूँ, इंडियन वाला, ठीक है, जिसको हम क्वाटरी कीबोर्ड कहते हैं उसी को यूज़ करते हैं, इंडियन कीबोर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर ये कुछ अपडेट चेक करेगा, मतलब कि कोई अपडेट है या नहीं है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करेगा एंड देन ये आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। अगर कोई अपडेट रहा तो उसको अपडेट कर देगा एंड आगे फॉरवर्ड कर देगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन फॉरवर्ड हो जाएंगे हम आगे। सो यहाँ पर हमारा PC रिस्टार्ट हो गया है क्योंकि ये सारा अपडेट हो गया है एंड सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुकी है। तो ये क्या होगा, एक बार रिस्टार्ट होगा, ठीक है। एंड जो भी अपडेट होंगे, अगर अपडेट हुआ होगा वो अपडेट अप्लाई होगा एंड ये वापस से रिस्टार्ट हो गया, देख सकते हो, एंड सारा सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सेटअप हो गया है एंड अभी जो आपको डिस्प्ले यहाँ पे दिखेगी वो काफ़ी छोटी दिखे आई थिंक, तो डिस्प्ले कैसे सेट करना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाए एक बार तो ओके। सो यहाँ पर आपके डिवाइस का नाम पूछेगा, तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ, अपने डिवाइस से कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई भी नाम डाल सकते हो आपको अगर डालना है तो। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ ताकि जो हमारा टाइम है वो थोड़ा बचे। आप वहाँ पर कोई भी नाम डाल देना जो आपको लगे कि मेरे लैब के लिए सूटेबल है, ठीक है, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ पर कोई ID साइन इन करने के लिए बोलेगा, सो वॉरियर्स यहाँ पर आ जाता है उसके बाद साइन इन का ऑप्शन। सो एक बात ध्यान रखना, हमको हमारा अकाउंट डालना ही नहीं है साइन इन में, हमको विदाउट साइनिंग यहाँ पे इसका एक्सेस लेना है। तो वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो ये देखो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी कुछ क्लिक नहीं करना है, बस हमको यहाँ से नेटवर्क डिसकनेक्ट करना है। तो यहाँ पर विंडोज़ 11 पे क्लिक करना है, रिमूवेबल डिवाइस पे जाना है एंड नेटवर्क अडेप्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो बेसिकली इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट वन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लॉस दिखाएगा, ठीक है, एंड वापस से यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट करके कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्रिएट वन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्रिएट वन पे, एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड वापस से हम बैक करेंगे यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं वापस से यहाँ से बैक करता हूँ, ठीक है। अब नेटवर्क डिसकनेक्ट करके देखेंगे, यहाँ पे डिसकनेक्ट द नेटवर्क एंड क्रिएट वन अकाउंट, वापस से ये लॉस्ट कनेक्शन इंटरनेट बता रहा है। एंड हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर ट्राई करेंगे, ठीक है, रिमूवेबल डिवाइस एंड कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन बार ऐसे करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे नाम डालने का ऑप्शन है या ईमेल आईडी वो हट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर तीन चार बार ऐसे ट्राई करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको विदाउट
ईमेल आईडी एंड एड्रेस जो भी उसका अकाउंट है, विदाउट उसके आपको ये एक्सेस दे सकता है। अब देखो ऐसे दे हो सकता है, ठीक है। अब तीन चार बार इधर उधर क्लिक करो, ठीक है, नेटवर्क कनेक्ट करो, डिसकनेक्ट करो, या फिर न्यू क्रिएट अकाउंट, या फिर वहाँ पे जो अदर ऑप्शन है उस पर क्लिक करके देखो, तो आपको ये ऑप्शन देगा ये यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो यूज़ एन ऑनलाइन अकाउंट, तो हमको यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट नहीं करना है बिल्कुल भी, हमको यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट का नाम लिख दूंगा एडमिन, यहाँ पर एडमिन लिख देना है आपको ऐसा आने के बाद, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, तो पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्या डालूँगा, पी ए एंड दो डॉलर का सिंबल, ठीक है, एंड WRD, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे ये पासवर्ड है, ठीक है, तो मैंने ये किया है, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड वापस से, एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सेम है, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो वो डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली तीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको फिल करके आगे बढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पेट का नाम मैं डॉग लिख देता हूँ, सस्पेक्ट नेम, आप जो भी आपका पेट होगा सिक्योरिटी के लिए वो डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपको वापस चूज़ करना है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका अकाउंट रिकवर करने में, कभी अगर कुछ हो गया तो। हालांकि यहाँ पर ये ऑफलाइन अकाउंट है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया लगभग सेटअप, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट सेटअप कर देगा यहाँ पर, अब ये लगभग सेटअप हो ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चल रही है अपडेट चेकिंग प्रोसेस, एंड ये हमारा विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है लगभग, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर एक ही वीडियो में क्यों नहीं करा देते सारा लैब सेटअप। सो वॉरियर्स, यहाँ पर एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको प्रोसेस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है इनको एडिटिंग करने में, है ना। एंड बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट डालता हूँ, क्योंकि मेरे भी साइड में कुछ काम होते हैं, तो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो सारा कंटेंट अपलोड होने के बाद देखो, या फिर वन बाय वन करके जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ कर सकते हो जो जो चीज़ें हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम टेक एन प्रोसेस है, जैसे कि देख सकते हो ये कितना टाइम ले लिया एक विंडोज़ 11 ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटअप हो जाए उसके बाद हम मिलते हैं इसके होम स्क्रीन पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वॉरियर्स, यहाँ पे हमारा विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने विदाउट अकाउंट इंस्टॉल किया है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, हमने कोई भी अकाउंट नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जहाँ पे अकाउंट मांगता है ना, वो वहाँ पे दो तीन बार नेट ऑफ करना है, फिर इधर उधर क्लिक करके देखना है, ऑप्शंस पे क्लिक करके देखना है, कभी क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके देखना है, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा विदाउट अकाउंट साइन इन का, ठीक है। सो ये था हमारा विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन।